पाकिस्तान की टीम T20 विश्व कप से बाहर आ चुकी है। बता दें कि पाकिस्तान ने 4 ग्रुप मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 2 में जीत हासिल की थी और 2 में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि पाकिस्तान बाबर आजम है। इस बार विश्व कप में पाकिस्तान के प्रदर्शन को लेकर काफी आलोचना हो रही है, लेकिन इसी बीच बाबर आजम ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसे उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि बाबा T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। बता दें कि T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम दर्ज था। इन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 529 रन बनाए थे, लेकिन अब यह रिकॉर्ड बाबर के नाम हो गया है। उन्होंने धोनी समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा है। बाबर ने इस टूर्नामेंट में कुल 549 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की टीम भले ही सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी उसे 4 में मैच खेले जिसमें 2 मैच जीते और 2 में हार का सामना किया। बता दें कि पाकिस्तान को भारत और यूएसए ने हराया था, वहीं पाकिस्तान ने कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी।